Hello, student, welcome to our next class. Welcome to our class. Our next class is for class 2nd, and our subject is GK. Second chapter, and our next topic is water animals. In this chapter, we will identify the animals and name them. Identify these pictures, which is shown there, and we will write these names. इन सभी पिक्चर्स को हमें आइडेंटिफाई करना है यहाँ पर जो पिक्चर्स दी हुई हुई हैं इनके कुछ मूवमेंट या इनके बारे में कुछ यहाँ पर प्रिस्क्राइब किया गया इन्हें पढ़कर हमें इनके मूवमेंट के बारे में लिखना है फिर कॉपी में सारे वर्क्स होंगे इन सभी पिक्चर्स को आपको जेरोक्स करानी है जेरोक्स करा के इन्हें एक साइड पे पेस्ट करके इनके बारे में लिख कर फिर इनके नेम को लिखना है सो लेट्स स्टार्ट आइडेंटिफाई द फॉलोइंग वाटर एनिमल्स एंड नेम देम

तो ये जो हमारा स्नेक, फिश फिश है जो स्नेक की तरह है ये है ईल डबल ई एल अब सेकेंड वॉटर एनिमल इज दिस एनिमल हैज फाइव आर्म्स इफ वन ऑफ इट आर्म्स इज ब्रोकन इट ग्रोज अ न्यू वन वेरी सून दिस एनिमल हैज फाइव आर्म्स इस वाटर एनिमल की पांच भुजाएं होती हैं इफ वन ऑफ इट्स आर्म्स इज ब्रोकन अगर इसकी एक भुजा टूट जाती है इट ग्रोज अ न्यू वन वेरी सून तो दूसरी बहुत जल्दी ही आ जाती है तो ये जो हमारा सेकेंड वाटर एनिमल है दिस इज कॉल्ड स्टार फिश एस टी ए आर एफ आई एस एच स्टार फिश अवर थर्ड एनिमल इज इट इज द वर्ल्ड हाइएस्ट वर्ल्ड्स बिगेस्ट फिश इट इज़ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट फिश ये संसार की सबसे बड़ी मछली होती है इसका नाम है शार्क एस एच ए आर के अब अ फोर्थ वाटर एनिमल इज दिस एनिमल हैज ए आर्म्स, इट कैन चेंज इट्स कलर वेन एन एनिमी अटैक्स इट दिस एनिमल हैज जा, है ए आर्म्स। इस वाटर एनिमल के आठ बुझाएं होती हैं इट कैन चेंज इट्स कलर व्हेन एन एनिमी अटैक्स इट्स जब भी कोई दुश्मन इस पर हमला करता है तो ये अपना कलर चेंज कर लेता है दिस वॉटर एनिमल नेम इज ऑक्टोपस ओ सी टी ओ पी यू एस अब अ फिफ्थ वाटर एनिमल लाइक एन एलिफेंट दिस एनिमल हैज टू लॉन्ग टर्स इट लिव इन कोल्ड वाटर लाइक एन एनिमल दिस एनिमल ये एनिमल जो है लाइक एन एलिफेंट देखने में बिल्कुल हाथी की तरह होता है हाथी की तरह ही इसके दो तो बड़े बड़े दांत बाहर की ओर निकले होते हैं और ये ठंडे पानी में रहता है दिस वाटर एनिमल नेम इज वॉलरस डब्ल्यू ए एल आर यू एस अब लास्ट इज दिस एनिमल लिव्स इन अ स्ट्रांग शील्ड इट मूव वेरी स्लोली दिस एनिमल लिव्स इन अ स्ट्रोंग शील्ड ये जो जानवर है स्ट्रांग मजबूत शील्ड के अंदर रहता है इट मूव वेरी स्लोली और ये बहुत ही धीमे चलता है सभी को पता है इस वर्ड में सबसे स्लो चलने वाला जो वॉटर एनिमल है दैट इज कॉल्ड टर्टल टी यू आर टी एल ई अगेन वी विल सी द ऑल वाटर एनिमल्स दिस फिश इज लाइक अ snake इट कैन गिव यू एन इलेक्ट्रिक शॉक दिस नेम इज ईल ये जो फिश है हमारी देखने में बिल्कुल स्नेक की तरह होती है और इसे छूने पर हमें बिजली के झटके लगते हैं अब अ सेकेंड वाटर एनिमल दिस एनिमल हैज फाइव आर्म्स। इस एनिमल्स की पांच भूजाएँ होती हैं इफ वन ऑफ इट आम इज ब्रोकेन इट ग्रोज अ न्यू वन वेरी सून अगर इसकी कोई एक भूजा टूट जाती है तो दूसरी भूजा बहुत ही जल्दी आ जाती है तो ये वाटर एनिमल हमारा स्टारफिश। फिश अब थर्ड वाटर एनिमल इट इज द वर्ल्ड बिगेस्ट फिश ये संसार की सबसे बड़ी मछली होती है दैट इज कॉल्ड शार्क अब फोर्थ एनिमल इज दिस एनिमल हैज एट आर्म्स इस एनिमल्स की आठ भुजाएं होती हैं इट कैन चेंज इट्स कलर व्हेन एन एनिमी अटैक्स इट जब कोई दुश्मन इन पर हमला करने आता है तो ये अपना रंग बदल लेते हैं दिस एनिमल इज ऑक्टोपस अब फिफ्थ एनिमल इज लाइक एन एलिफेंट दिस एनिमल है ये देखने में बिल्कुल हाथी की तरह होता है हाथी की तरह इसके दो बाहर दाँत निकले होते हैं और ये ठंडे पानी में रहता है दिस एनिमल इज कॉल्ड वॉल्स अवर लास्ट एनिमल दिस एनिमल लिव्स इन अ स्ट्रॉग शील इट मूव वेरी स्लोली ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मजबूत शील्ड के अंदर रहता है और ये बहुत ही धीमे चलता है दिस एनिमल इज कॉल्ड टर्टल फिर से आपको बता दूं इन सभी पिक्चर्स को आपको जेरोक्स कराना है पिक्चर्स को ऐसे ही सीरियल वाइज आपको कॉपी पे पेस्ट करके इनके बारे में लिख कर इनके नेम को आइडेंटिफाई करना है लिखना है वर्क बहुत ही नीटली आपको अपनी फेयर कॉपी में कंप्लीट करना है और इसे लर्न करना है थैंक यू